अंतर्गत आवास हंसपुरम में नाले में मिली लाश। न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में फायरिंग, 40 लोगों की मौत। चक्रनगर उदी पर एक डंपर ने स्कूल छात्रा को मारी टक्कर, हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। नौबस्ता थाना के अंतर्गत आवास विकास हंसपुरम सेक्टर 6A के पास दुर्गेश आटा चक्की के सामने नाले में एक 24 वर्षीय युवक का शव मिल गया है। गाड़ी सहित नाले में पाया गया। युवक का नाम श्रेया सिंह देवनाथ सिंह, निवासी KDA कॉलोनी गला मंडी नौबस्ता कानपुर नगर का है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में फायरिंग, 40 लोगों की मौत। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च के दो मस्जिदों में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में 40 लोगों की मौत हो गई। हमले में 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बाल बाल बच गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिडा अर्डन ने बताया कि इस गोलीबारी में 40 लोगों की मौत हो गई। यह दिन न्यूजीलैंड का सबसे काले दिनों का एक रहा है। मस्जिदों में दोपहर को जब हमला हुआ, उस समय लोगों की भीड़ वहां पर जुम्मे की नमाज के लिए एकत्रित थे और बांग्लादेश क्रिकेट के टीम के सदस्य वहां पहुंचे थे। इटावा में चक्रनगर उदी पर एक डंपर स्कूल छात्रा को मारी टक्कर, छात्रा की जगह पर ही मौत हो गई। छात्रा का नाम मोहिनी ऐसा दर्शाया जा रहा है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक